हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई हो और आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और यहाँ देखिए, मैं अभी नहा कर आई हूँ और बाल धोए थे मैंने, तो सूखने की छोड़ दिए हैं। और यहाँ सो रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो चुका है मेरा। और अब मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ काम देखना है मुझे किचन का, उसके बाद मुझे अपनी खाना बनाना है। और उससे पहले मैं नाश्ता तैयार करूँगी। और यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह सब हो चुका है मेरा। यहाँ देखिए, बहुत दिन बाद में मंदिर के दर्शन कर लीजिए आप भी। तो काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है, पूजा भी हो गई है, और अब बनाना है मुझे नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे और चाय। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाय उबल रही है, उबल चुकी है चाय। तो इसके साथ मैंने खाने के लिए बनाए हैं पराठे, और चाय अच्छे से उबल चुकी है अदरक डाल के। तो फ्रेंड्स, आज मुझे जाना है वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वहाँ जाने के लिए तो थोड़ा हैवी नाश्ता करना था, तो यहाँ पर मैंने पराठे बनाए थे। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, तो आप भी नाश्ता कर लीजिए फ्रेंड्स, चाय और पराठे का। तो इसके बाद मैं जाऊँगी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में जाकर देखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, मैं हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कितनी ज़्यादा नहीं लेकिन 10-10 करके यहाँ पर लोग भेज रहे थे, तो हिसाब से तो यहाँ पर इतनी भीड़ है। और कुछ अलग है, अपने हिसाब से भेज रहे थे डॉक्टर यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ ना हो पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, ये किस तरह से लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, मेरी लग रही है वैक्सीन, अब नंबर आ गया है मेरा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो तो यहाँ की नहीं बना पाए थे, और मेरी लग चुकी है वैक्सीन अब। तो मैं बाहर आकर बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एकदम से उठकर नहीं आने देते हैं, थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करना पड़ता है 10-15 मिनट का, तब आने देते हैं। और घर आ चुकी हूँ मैं, और घर आने के बाद में बनाने लगी खाना। और खाने बना रही हूँ फ्रेंड्स, राजमा तो चावल। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर को ऑयल में ऐड कर दिया है, अच्छे से भून लूँगी मैं इस मसाले को फ्राई होने तक, सुनहरा होने तक। और यहाँ पर अपने स्वाद के ऊपर नमक मिर्च ऐड कर दिए हैं इसमें, और धनिया ऐड कर दूँगी, और हल्दी पाउडर। ये सारे जो बेस मसाले होते हैं, मैं सारे ऐड करके अच्छे से पानी डालकर भून लूँगी इनको। और फ्रेंड्स, मैं राजमा इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये देखिए, मैं राजमा ऐड कर दिया है, इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जितना मुझे थिक रखना है ये, और जितना थिक रखना है उस हिसाब से मैं पानी कर दूंगी इसमें। और चावलों के साथ के लिए मैं बना रही हूँ, रोटियाँ थोड़ी बनाऊंगी मैं, तो देखते रहिए प्लीज़। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, राजमा में सीटी आ चुकी है दो। और उसके बाद मैंने कुकर भी खोल दिया था, और उसमें गरम मसाला जो हरी मिर्च कटी हुए रखे हैं, राजमा मसाला, मैं इनको ऐड कर दूंगी इसमें, और इससे दुगना टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। और मेरे चावल भी पक चुके हैं, तो यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, राजमा मेरे किस तरह से मैंने कितने थिंग रखे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजमा। और
रोटियां भी बनाई हैं फ्रेंड्स मैंने, पर ऐड नहीं करी हैं यहाँ पर। तो कैसे लग रहे हैं मेरा डिनर आज का, तो प्लीज़ बताइएगा। और ये फ्रेंड्स इवनिंग का, ये नाइट का टाइम है, तो आप भी डिनर कर लीजिए। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बने थे राजमा और चावल। तो फ्रेंड्स किस तरह कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फ्रेंड्स अपना सपोर्ट प्लीज़ प्लीज़ बनाए रखिए।